नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट की रिसिप्ट गुम गई है तो बैंक में किस तरीके से एप्लीकेशन देनी है ताकि आपकी फिक्स डिपॉजिट की रिसिप्ट डुप्लीकेट इश्यू करी जा सके, आइए हम वीडियो देखते हैं। ये जो फॉर्म मैंने भर के दिखाया है इसकी एक कॉपी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट की रसीद कहीं पर गुम हो जाती है और आप उसको दोबारा डुप्लीकेट बनाने के लिए अप्लाई करते हो तो क्या करें? सबसे पहले आपको SBI का कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म लाना पड़ेगा, बैंक में जाके उसको भर के आपको बैंक में सबमिट करवाना होगा। उसके बाद आपको फिक्स डिपॉजिट की दूसरी कॉपी मिल जाती है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म भरना सिखाता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है और डेट आप उस दिन की लिखना जिस दिन आप फॉर्म बैंक में जाके सबमिट करवाए। तो सबसे पहले यहाँ पर डेट लिख देना है। उसके बाद कस्टमर का नाम आपको इस कॉलम के सामने लिख देना है, जस्ट इसके सामने। उसके बाद आपके अकाउंट से जुड़े हुए नंबर होना चाहिए, जो आपको मोबाइल नंबर के सामने लिख देना है इन कॉलमों में। उसके बाद आपके चेकबुक डायरी में अकाउंट नंबर होंगे, वो आपको यहां पर लिख देना है। उसके बाद आपका ब्रांच का नाम, जो भी आपकी ब्रांच का नाम है वो आपको यहां पर लिख देना है। उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है फिक्स डिपॉजिट की दूसरी रसीद, तो आपको यहां पर टिक करके फिक्स डिपॉजिट के जो नंबर हैं इन कॉलमों में वो लिख देना है। तो ये फिक्स डिपॉजिट के अकाउंट नंबर लिखने हैं आपको। ये लिखने के बाद आपको यहां पर एक कॉलम दिखाई दे रहा है, इस पर अपने सिग्नेचर कर देना है आपको। सिग्नेचर करने के बाद आपको इसके पीछे अपना आधार कार्ड लगाना होगा और आधार कार्ड लगाने के बाद आपको ये फॉर्म बैंक में जाके सबमिट करवाना होगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।